सात से आठ जो है वो मैंने हरी इलायची ली है और जिसको हल्का सा फ्राई होने के लिए रख। अब हरी इलायची जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो साथ ही हम इसमें जो है वो दोस्त ऐड कर देंगे। दो किलो जो है, 2 kg यानी 2 किलो दोस्त ली है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त को, इतना कि हमें पाएंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, जो है वो गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको जो है वो गोश्त को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। जब तक फ्राई करेंगे कि इसका ये जो है घी पानी खुश्क हो जाए और घी पर नज़र आ जाए। जो है वो लहसुन जो है वो भून चुका है, तो अब हम इसमें अपने दीगर मसाला जात का ऐड करेंगे, यानी ज़ीरा और सुपर धनिया का पाउडर तकरीबन 3 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून सूख मिर्च का पाउडर, तो जो हमने डाले हैं नमक मिर्च वगैरह, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। हम इसमें 1 कप जो है वो योगर्ट यानी दही ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अदरक दही ऐड करने के बाद ये अपना काफ़ी सा पानी छोड़ देगा, तब तक हम अपने मसाले जो हैं वो पीस लेते हैं। भूनेंगे, अब हम इसमें अदरक जो है वो 1 टेबलस्पून अदरक ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून इसको भूनेंगे थोड़ा सा। जी तो व्यूअर्स, जब तक जो है वो अदरक हो रहा है भुन रहा है, तो मैं तब तक जो है वो अपने मसाले पीस लेंगे। कुछ 3 जो है वो बड़ी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद जो है वो क्लोव यानी कि लौंग लिया है, 1 जो है जावित्री का फूल लिया है और आधा जो है वो जायफल जो है वो आधा लिया है हमने। अब हम इन मसालों को जो है वो पीस लेंगे। बाद इसको हम लोग जो है वो प्रेशर लगा देंगे और प्रेशर जो है वो 15 मिनट के लिए हम लगाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से पक जाए, गल जाए। 15 मिनट बाद जो है प्रेशर को हटा लिया है, तो ये तकरीबन जो है गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें जो है जो मसाला जात हमने पीसे थे, जिनको पीस दिया था, ग्राइंड कर लिया था, अब हम उनको ऐड करेंगे, जिसमें था लौंग, काली जो है वो बड़ी इलायची और साथ जावित्री और जायफल, और साथ ही इसके अंदर हम लोग जो है वो तली हुई फ्राइड प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन ये ऐड किया हम लोगों ने 1 प्याली जो हमने व्यूअर्स जो हमने प्याज ऐड किया है, उसको हम लोगों ने फ्राई प्याज ऐड की थी और उसको हमने जो है वो क्रश कर लिया था। अब ये बिल्कुल जो है हमारा बीफ जो है कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो है वो कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का सायका है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। घर में कभी देगी खाना खाने का या शादियों वाला खाना खाने का दिल चाहे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही धुएँदार और बहुत ही खूबसूरत इसका जो है वो जायका है, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी, बहुत मज़ेदार है। अब हमने इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही डिलीशियस लुक है इसकी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये कैसा रहा। शादियों वाला कौरमा है ये, बहुत टेस्टी है, बहुत उम्दा खुशबू है इसकी, और अब आप इसको देख सकते हैं और मैं तो इसको मज़े से खाऊंगी और आपने भी इसको ट्राई करके ज़रूर जो है वो बताना है। थैंक यू।